वीकेंड विद फायजा के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके डीएचए में पंजाब हुकूमत की नहायत अहम शख्सियत के घर। वो शख्सियत कौन है ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि उनका नाम मैं सीक्रेट रखूंगी, क्योंकि अगर अभी बता दिया तो फिर वो सीक्रेट ही क्या। ये बता दूँ जी कि हमारी आज की जो मेहमान शख्सियत हैं वो पंजाब हुकूमत की एक अहम शख्सियत हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट हैं और शायद यही पैशन है जिसकी वजह से वो अपना काम बहुत खुशसूबी के साथ अंजाम देते हैं। मेरा ख्याल है कि इतना सस्पेंस आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। मैं बता देती हूँ जी, आज हम मौजूद हैं पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसन खावर साहब के घर और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में आज हम बहुत कुछ पूछेंगे, लेकिन ये सारी बातें उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। तो आइए चलो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। आप कैसे हैं और क्या हो रहा है आजकल? जी आजकल तो आपको पता है क्या हो रहा है, आजकल तो जो भी हो रहा है वो मीडिया पे हो रहा है। हाँ, लेकिन जी है कि सैटरडे और संडे जो है हमारा वो भी वर्किंग डे है इस जॉब में। ओह, और देयर इज नो ऑफ डे। ओहो, लेकिन हमने आज आपको कैच कर लिया कैपिटल टीवी के लिए। बिल्कुल। और वैसे मैंने ना इंट्रो में स्टार्ट में आज मैंने अपने व्यूअर्स को कुछ थोड़ा तंग किया, मैंने ये बताया कि जी आज हम जहाँ पे मौजूद हैं ये पंजाब हुकूमत की नहायत अहम शख्सियत हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि कहाँ पे हो। लेकिन अब बता दिया हुआ है कि जी हम हसन खावर साहब के घर मौजूद हैं, जो तर्जमान है पंजाब हुकूमत की, स्पेशल असिस्टेंट है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बाजार साहब के। सर, आपकी पे बहुत भारी जिम्मेदारी आयद हो गई है और माशाल्लाह से, ये बात मैंने इंट्रो में भी कही थी, अब फिर रिपीट कर रही हूँ कि हमें आप हर वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पे नज़र आते हैं, ठीक है, लेकिन वो सारी की सारी जो बातें होती है, गुफ्तगू होती है, वो सियासी होती है। और ये भी सुना होगा आपने, सुना होगा मैंने भी सुना है कि इंसान चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए उसके अंदर एक बच्चा मौजूद होता है, ठीक। तो आज हमने हसन खावर साहब के अंदर जो बच्चा है उससे बातें करनी है, उसको एक्सप्लोर करना है, ठीक। तो ये बताएं सबसे पहले कि आप लाहौर की पैदाइश है आपकी, कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए? जी लाहौर की पैदाइश है जी, बिल्कुल, आउट एंड आउट लाहौर। अच्छा। और गुलबर्ग में एक हॉस्पिटल, पता नहीं आप है कि नहीं है, उसका नाम है समीस क्लिनिक। ओके। तो वो मेरी एक्चुअली प्लेस ऑफ बर्थ थी। अच्छा, माशा, बिल्कुल। और उसके बाद थ्रू आउट लाहौर रहा हूँ। थ्रू आउट लाहौर जी, मेरी एजुकेशन, हर चीज़ लाहौर की। तो कितने भाई बहन थे? हम लोग जी दो भाई हैं, मेरे एक बड़े भाई हैं और मैं, only two brothers. Oh, तो बहन नहीं है? बहन नहीं है। अगर वो कहते हैं ना कि अगर जिनके घर बेटियां हो और बेटा ना हो तो वो पेरेंट्स भी फील करते हैं और भाई भी महसूस करते हैं बहन की कमी, और अगर जहाँ पे बहनें ही हो वहाँ पर भाई बहनों की कमी महसूस की जाती है जहाँ पे भाई हो। तो आपने कभी फील किया? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे दोस्त और वो लोग जिनके घरों में बेटियाँ हैं, बहनें हैं, तो वो मैं देखता हूँ कि वो बड़ा एक किरदार अदा करती हैं खानदान के अंदर। हाँ। तो जिन खानदानों में बेटियां बहनें नहीं हैं या कम हैं वहाँ पे जाहिर है कि एक तशनगी रहती है। दूसरा, मैंने हमेशा ये देखा है कि जो पेरेंट्स हैं जी, जो उनका ख्याल बेटियां करती रख सकती है वो बेटे नहीं कर सकते। और भाइयों से भी एक अजीब ही बॉन्डिंग होती है, इतना प्यार, इतनी केयर। माँ के बाद अगर कोई ज्यादा ख्याल रखता है भाइयों का भी तो वो बहनें ही होती है। बिल्कुल। लेकिन मेरे जो बड़े भाई हैं जी, वो भी मेरे से काफ़ी यानी मोहब्बत करने वाले हैं। अच्छा। और मेरा ख्याल करने वाले हैं, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि शायद वो इतनी कमी महसूस की। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप छोटे भी हैं तो फिर लाडले बहुत ज़्यादा हुए। हाँ, वो जरा लाड प्यार भी बचपन में जाहिर है कि ज़्यादा लाड प्यारा। अच्छा, तो अम्मा अब्बा मतलब क्या करते थे, बाबा क्या करते थे? अम्मा हाउस वाइफ थी या वर्किंग लेडी थी? जी जी, मेरी वालदा जी वर्किंग लेडी थी और उनका ताल्लुक भी जर्नलिज्म से था। अच्छा, शुरू में उन्होंने मास्टर्स किया मास कम्युनिकेशन में, गोल्ड मेडलिस्ट थी। माशाल्लाह। उसके बाद कुछ अरसा एपीपी में जॉब की, पाकिस्तान टाइम्स में लिखती रहीं। ग्रेट। और उसके बाद फिर एक गवर्नमेंट का इदारा है आर्काइव्स, उसके अंदर काफी अरसा उन्होंने काम किया। अच्छा। शी वाज अ वर्किंग लेडी। माशाल्लाह। और तो ये लिखने लिखाने का शौक उन्हीं की तरफ से जी, मेरे जो मैटरनल पूरी साइड है वो लिखने लिखाने वाली थी। सो माय ग्रेट ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडफादर, वो सारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे उनका एक अखबार था इनकलाब, और उसके बाद जो मेरे नाना थे उन्होंने ही पंजाब में जो शोभा सहाफत था उसकी बुनियाद रखी, उसके हेड भी रहे और कुछ 100-150 किताबें भी लिखी। तो अच्छा, बिल्कुल। तो वो पूरी बैकग्राउंड एक जर्नलिज्म और सहाफत से बड़ा पुराना और करीबी करीबी खानदानी ताल्लुक है। माशाल्लाह। तो बाबा क्या कहते थे आपके? वो जी ही स्टार्टेड हिज करियर फ्रॉम अ बैंक, और बैंक से थे
फिर उसके बाद बाहर चले गए और फिर काफ़ी अर्सा वो बाहर अपना कारोबार वगैरह करते रहे और फिर उनका इंतकाल हुआ भी काफ़ी अर्सा हो गया। अच्छा, तो आप ये बताएं कि जी स्कूलिंग आपकी कहाँ की है और पढ़ाई में कैसे बच्चे थे, अच्छे बच्चे थे? वैसे तो माशाल्लाह से जिस तरह का आपका फैमिली बैकग्राउंड है उससे मुझे पता लग रहा है कि अच्छे बच्चे होंगे, लेकिन कभी मार मार पड़ी? मार बड़ी पड़ती थी जी, मार मेरी जो वालदा थी वो बड़ी डिसिप्लिनेरियन थी माशाल्लाह, और वो बिल्कुल बच्चों को जो है ना बिलीव करती थी कि सीधा और सख्त रखना है। थोड़ा सा इधर उधर हुए, प्यार मोहब्बत भी बहुत करती थी, लेकिन जी है कि जाहिर है कि वो डिसिप्लिन भी करती थी। तो बच्चे जैसे होते हैं ना, पढ़ाई में दिल ना, सारा दिन खेल तमाशा खेल कूद, तो उसी तरह हम भी थे। अच्छा। और मेरी जो स्कूलिंग थी वो क्रेसेंट से थी, जो लाहौर का स्कूल है जी। और फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, और फिर मैंने इंजीनियरिंग की, और जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैंने साथ ही प्राइवेटली बीए करके सीएसएस कर लिया। और मुझे याद है कि मेरा इंजीनियरिंग का रिजल्ट भी साथ आया और सीएसएस का रिजल्ट भी आया। इंजीनियरिंग में अच्छे नंबरों में पास हुआ और सीएसएस में मैं पूरे पाकिस्तान में सेवंथ आया। ओह तो माशाल्लाह, फिर मैं सिविल सर्विस में चला गया। सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, लेकिन अभी आप कह रहे थे कि मैं वो बच्चा था जिसको मार पड़ती थी, भाई सीएसएस में सब में सेवंथ आ गया और अभी भी मार पड़ती थी? नहीं, उस वक्त तक फिर जाहिर नहीं पड़ती थी, तब तक जरा पढ़ाई में दिल लग गया था और फिर मैं सिविल सर्विस में आ गया। और कुछ अरसा उस वक्त डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप कहा जाता था, अब उसको कहा जाता है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, कुछ साल उस पर गुजारे और उसके बाद फिर मैंने सर्विस को खैर बात कह दिया। अच्छा। और रिज़ाइन कर दिया और फिर मैं प्राइवेट सेक्टर। और रिज़ाइन करने की कोई खास रीज़न? रीज़न देखें ये थी कि सरकारी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता था। मैंने तो सुना है कि जी बहुत अच्छी सैलरीज होती हैं और आप लोगों को जो बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। बेनिफिट्स देखें होते हैं सिविल सर्विस में, जाहिर है कि जब आप किसी इलाके में जाके असिस्टेंट कमिश्नर लगते हैं या डिप्टी कमिश्नर लगते हैं तो बहुत सारे मुराद हैं, गाड़ी है, लोग हैं, लेकिन तनख्वाह बहरहाल सरकार की जो तनख्वाह है ना वो आज भी प्राइवेट सेक्टर से बहुत कम है। और मैं क्योंकि मेरा ताल्लुक मतवसत तबके से था है, तो मैंने कहा कि इसमें तो मेरा गुजारा नहीं होगा। हाँ। और मैं कैसे बच्चों को पढ़ाऊंगा और कैसे उनको वो लाइफ स्टाइल दूंगा जो जीना चाहता हूँ। तो फिर मैंने ये तय किया कि मुझे बड़ी पसंद थी नौकरी, लेकिन मैंने ये तय किया कि ये नौकरी मैं ज़्यादा अर्सा कर नहीं पाऊँगा और जिस तरह से मैं करना चाहता हूँ मैं कर नहीं पाऊँगा, और कहीं मेरे से कोई वो क्या कहते हैं कोई लग्जिश ना हो जाए। जी, लग्जिश ना हो जाए। तो मैंने कहा इससे बेहतर है जान छुड़ाओ और कोई और काम करो जहाँ पे आप। अच्छा, वैसे देखने वाले आज ये देख रहे हैं कि कितने ऑनेस्ट हैं, वरना जो लोग होते हैं ना काम करने वाले वो कह रहे होते हैं जी बहुत अच्छे बहुत, और मतलब हम लोगों को आम लोगों को यही तासुर है जी, ये इंप्रेशन है कि बहुत मौजें होती हैं जहाँ जाते हैं, इर्द गिर्द नौकरों की फौज होती है और बड़े बड़े घर होते हैं सब कुछ, तो हमने तो यही सुना था। आज ये जो सच है ये एहसान साहब ने हमें बताया। नहीं देखें, बात यह है कि वो बिल्कुल जो बात सच है और ये ब्यूरोक्रेसी में है भी और ये हुकूमत का कल्चर भी है, और इसीलिए आप देखें ना कि अगर जब लोग आप देखते हैं कि हुकूमत में लोग कितने हैं तो आपके जो लोअर ग्रेड के एम्प्लॉयज़ हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि आप कहते हैं कि मतलब ये बेचारे ये कहाँ कहाँ